हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ होली स्पेशल गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये 500 ग्राम खोवा ले लिया है, 200 ग्राम सूजी है, एक नारियल का गोला मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, 200 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम बादाम को मैंने काट के रख लिया है, 100 ग्राम किशमिश है और ये एक कटोरी टूटी फ्रूटी है। इससे गुजिया का टेस्ट दोगुना हो जाता है और ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और ये 10 से 12 हरी इलायची है, इसको मैं अच्छे से कूट लूंगी। आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और ये 1 किलो मैदा है। जो सूजी है इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए फ्लेम पे रख दिया था। तो पैन के गर्म होते ही हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। आप चाहें तो सूजी को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, पर मैं इसको देसी घी में भून रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। गैस को मीडियम फ्लेम पे करके इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी पहले से चेंज हो गया है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। सूजी को मैंने रोस्ट करके अच्छे से भून के इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और अब हम इसी पैन में, गरम पैन में ये खोवा डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। खोवा मैंने घर में ही बनाया था। खोवा बनाने की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। खोवा भी हमारा अच्छे से भून चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है पहले से। और इसको अब हम प्लेट में निकाल देंगे। जो सूजी और खोवा को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब इन सबको हम ठंडा होने देते हैं। और ये जो मैदा है इसको हम, इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। ये 1 किलो मैदा है, इसमें 1.5 कलछी रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। मैदे में मैंने 1.5 कलछी रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब हम मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये देखिए, ये बाइंड होने लगा है अच्छे से। जब इस तरीके से बाइंड होने लगे तो इसका मतलब परफेक्ट है गूंथने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आटा को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। इसको गूंथने में काफी मेहनत लगती है, हाथों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अब हम ये आटा अच्छे से ढक देंगे, आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम ये जो चीनी है इसको मिक्सी जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये चीनी को मैंने अच्छे से पीस लिया है। गैस चला के पैन रख देंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ये कटे हुए जो हमने बादाम काटे थे वो इसमें हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बादाम को अच्छे से रोस्ट करके मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। आइए अब हम जो गुजिया बनाने की फिलिंग है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा सूजी है अब ये ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ये खोवा डाल देंगे। तो सूजी और खोवा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये कटा हुआ बादाम इसमें डाल देंगे और ये कद्दूकस किया हुआ नारियल भी इसमें डाल देंगे, टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे इसमें। किशमिश भी डाल देंगे
और ये कुटी हुई इलायची इसमें डाल देंगे। गुजिया में इलायची का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसको आप जरूर डालें। और ये पिसी हुई चीनी इसमें मिला देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम गुजिया बनाएंगे और इसकी फिलिंग करेंगे। मिक्सचर को हम एक साइड कर देते हैं, जो हमने मैदा गूंथ के रखा था। आधा घंटा हो गया, इसको एक बार हम और अच्छे से ये नीड कर लेंगे। तो आइए बनाते हैं गुजिया। तो अब हम एक चम्मच मैदा लेके उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने एक अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है। इस घोल को हम गुजिया बनाते समय यूज करेंगे। और ये मेरे पास गुजिया बनाने का सांचा है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। हम आटे की लोई ले लेंगे और इसके दोनों साइड बहुत थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। साइड साइड पे मैदे का घोल लगाते हुए इसमें हम एक टेबल स्पून मिक्सचर को फिल कर लेंगे। उसके बाद इसको पलट लेंगे, फिर उसके बाद सांचे से दबा देंगे इसको। और इसी तरीके से हम सारी गुजिया को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरीके से सारी गुजिया बना ली है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने गैस जला के कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे सारी गुजिया को हम फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन हो गया है गुजिया हमारा। अब हम इसको निकाल लेंगे, बस इससे ज्यादा हमें इसको नहीं फ्राई करना है। तो एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम सारी गुजिया को डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, होली स्पेशल गुजिया बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है। आप भी एक बार इस तरीके से गुजिया जरूर बनाइए, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो अगर आपको मेरा ये गुजिया बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।